नमो अरहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्याणं, नमो उवज्जायानं, नमो लोये सब साहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम्। श्रद्धा से नमन करें हम तेरा अनुसरण करें हम पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम तेरा अनुसरण करें हम पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। आराध्य देवना चरणों में नमन, आचार्य चरणों में नमन, सिंगापुर जैन रिलीजियस सोसाइटी द्वारा आयोजित लेक्चर सीरीज नो आ बीजो दिवस। गई काले आपने चर्चा करी हती जैन जीवन शैली इन साइंटिफिक अप्रोच। आजे आपनी चर्चा नो विषय मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, कषाय मुक्ति। जैन दर्शन मा तीर्थंकर भगवान महावीर नी वाणी मा, जैन आगमो मा कषाय विषय विशद चर्चा आपने मळे छे। अने कषाय ये बहु महत्वपूर्ण शब्द एटला माटे, इसलिए क्योंकि कषाय हमारी मुक्ति के मार्ग का एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है। हेल्थ के साथ अगर मैं चर्चा करूं, कषाय न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य अने भावनात्मक स्वास्थ्य। आजना युग में फिजिकली बीमारियों जेटली छे एने थी वधारे साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोकायिक बीमारियों एने थी पण वधारे। अने आ कोरोना काल में महीना महीना सुधी लॉकडाउन ना अंतर्गत घर में पुरायेला लोको अने कोरोना ने कारणे शारीरिक समस्या, आर्थिक प्रॉब्लम अने पूर्व अने पश्चात कोविड ना लीधे घणी खरी एवी समस्याओ उभी थई, एना लीधे मेंटल अने इमोशनल हेल्थ नो पण मोटो इश्यू आपने सामे उपस्थित थयो छे। भगवान महावीरे आध्यात्मिक दृष्टिए कषाय का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि कषाय की मंदता और तीव्रता, इस कषाय के विज्ञान को भी समझना जरूरी है। हमारी दुनिया में विविधता है, नानात्व है। अभी आप और हम पुरुष और स्त्री के रूप में इस जूम में जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से। विंडो के बाहर अगर आप झांकेंगे, वृक्ष लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर निकलेंगे तो बिल्ली बिल्ली कैट डॉग हॉर्स एलिफेंट अलग अलग प्राणी हमें दिखाई
दृष्टिगोचर होते हैं। प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारी दुनिया में विविधता क्यों है। जैन आगमों में चार प्रकार की गति का वर्णन मिलता है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। मैं दो गतियां हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, मनुष्य की गति और त्रियंच की गति, दो परोक्ष हैं, नरक गति और देव गति। लेकिन हमारे सामने जो प्रत्यक्ष हैं, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर। कोई बहुत संपन्न है, किसी के लिए दो जून की रोटी के लिए वो मोहताज है। कोई कोई बहुत सौंदर्य यश कीर्ति के साथ है और दूसरा एक व्यक्ति बहुत दुखी है, विपन्न है। आखिर ये अंतर क्यों है? जैन दर्शन में कर्मवाद को स्वीकार किया गया और कहा गया कि हमारी इस विविधता के पीछे एक बड़ा कारण है, वो है कर्म। और कर्म बंधन की प्रक्रिया के अंदर कषाय की और आसक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। जितना कषाय प्रबल होगा उतना बंधन प्रगाढ़ होगा, तीव्र होगा, मजबूत होगा। जितना कषाय मंद होगा उतना बंधन भी कमजोर होगा। आप और हम सभी मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष के अभिलाषी हैं। हमारी समग्र साधना का मूल उद्देश्य यही है कि कैसे हम कर्म बंधनों से मुक्त होकर के संसार के परिभ्रमण से मुक्ति को प्राप्त करें। किंतु जब तक हम इस कषाय और आसक्ति के विज्ञान को नहीं समझते हैं, तब तक उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैन आगमों में इन्हीं चार कषाय को, क्रोध, मान, माया और लोभ को 16 प्रकारों से समझाया गया। रूपक की भाषा में अनंतानबंदी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तत्व ज्ञान की भाषा है। आप प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ और स्वंजलन क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको सरल भाषा में, क्योंकि सिंगापुर, मलेशिया से श्रद्धालु श्रावक श्राविकाएं और देश दुनिया से जुड़े हैं, मैं बहुत ही व्यावहारिक, जिस भाषा में उन्हें समझ में आ सके, सरल भाषा में मैं आ रहा हूं। ये चार कषाय को जो 16 भागों में बांटा गया, कहा गया एक वो कषाय है जल की रेखा के समान। सिंगापुर में जब पर्यूषण पर्व किए और प्रवचनों के अलग से भी जब जाना हुआ, तो प्रतिदिन प्रातः काल हम लोग समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते। आप लोग भी दुनिया भर में घूमने जाते हो, बीच के किनारे जल के अंदर अगर एक रेखा खींचो, दूसरे क्षण जब एक लहर आती है वो रेखा विलीन हो जाती है। उस प्रकार का जो कषाय मात्र क्षणिक थोड़े से समय के लिए, कहा गया कि जिसको वीतराग बनना हो उसके लिए इस प्रकार का कषाय भी जो है उस पर भी विजय प्राप्त करनी होती है, तब जाकर के वो वीतराग बन सकता है, मुक्ति को, निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। स्वंजलन से भी थोड़ा तीव्र जो है वो है बालू की रेखा के समान। आप लोग राजस्थान में जैसलमेर घूमने, रेतीले धोरों में, दुबई में जाते हो, कच्छ में जाते हो, बालू के अंदर अगर रेखा खींचो तो जल जितनी शीघ्र तो नहीं मिटती है, किंतु फिर भी हवा का झोंका आता है और वो रेखा भी विलीन हो जाती है। उस प्रकार का अगर कषाय हमारे जीवन में है, जिनको साधु साध्वी बनना है, 5 महाव्रतों को स्वीकार करना है,
मुनित्व की भूमिका में जाना है, उन्हें इस प्रकार के कषाय पर भी विजय प्राप्त करनी होती है, क्योंकि ये मुनित्व या वीतरागता कोई टाइटल नहीं है, कोई बिल्ला नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। यह हमारी आंतरिक भावधारा के साथ जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है। अगर जल की रेखा के समान भी कषाय है, वीतराग नहीं बन सकता। बालू की रेखा के समान क्रोध पान माया लोभ अगर शेष है, तो मुनित्व के सामने खतरा उत्पन्न होता है।